चा चौधरी। ये लो खाता में लिखने का है ना। मुंह मांगा एक नहाने का साबुन देना। ये लो। ये क्या 15 रुपए में सिर्फ एक साबुन? और नहीं तो क्या 15 रुपए में ये हीरोइन भी चाहिए? तुम इससे बात करो, एक तो महीनों पुराना माल बेचते हो। सुनो भाई, मैंने तुमको इधर नहीं बुलाया था कि मेरी दुकान से तुम खरीदारी करो, हैं? महीनों पुराना माल बेचते हो, कुछ भी बोलते हो। हाँ हाँ, महीनों पुराना माल बेचते हो और मिलावट भी करते हो, ऊपर से ग्राहकों पर रौब जमाते हो, अभी पुलिस में कंप्लेंट करते हो। भाई साहब, पुलिस में कंप्लेंट क्यों करते हो, मिलिट्री में कंप्लेंट करो, ज्यादा मजा आएगा। ठहरो, तुम्हें सबक सिखाता हूँ। अरे साबुन तो लेते जाओ भाई। आ गया ले लड़का। सुनो। हाँ, क्या मांगता है बोलो। पुलिस? मैं पुलिस नहीं भेजता भाई, पुलिस खरीदना है तो थाने में जाओ। अरे तुम्हें वही ले जाने आए हैं बच्चू। अरे बाप, पुलिस? ये रामदीन ने सचमुच कंप्लेन कर दिया क्या? लेकिन पुलिस इतना जल्दी कैसे आ गई इधर? अरे भैया, कंप्यूटर का जमाना है, समझा क्या? चलो। किधर? पुलिस थाने। क्यों? वहाँ जाके मालूम पड़ेगा, चलो। लेकिन ये जाति अन्याय है, जुलूम है, देखो मैं कंप्लेन करूंगा। उठाओ। अरे ये कैसा हरकत है भाई, मेरे को इधर काहे लाए हो? ये जाति है, अन्याय है, लोकतंत्र पे प्रहार है, मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है, समझा? मुंह मांगो, अपना मुंह बंद रखो और जो मैं सवाल पूछता हूँ उसी का जवाब दे दो। अभी मैं मुंह बंद रखूंगा तो बोलूंगा कैसे? देखो, अपनी जबान को लगाम दो और मैं जो सवाल पूछता हूं उसी का जवाब दे दो, सिर्फ। इसको पहचानते हो? बिल्कुल नहीं। झूठ, सरासर झूठ। हमें खबर मिली है कि यह आदमी अपने साथियों के साथ तुम्हारी दुकान में कल आया था। हाँ तो आया था ना, मैंने मना कभी किया है? अरे फिर अब क्यों कह रहे हो नहीं पहचानते करके? देखो इंस्पेक्टर, देखने और पहचानने में फर्क गिरता है। वो आदमी मेरे दुकान में आया जरूर था, मगर कौन था, किधर से आया था, किस लिए आया था, ये तो नहीं जानता ना मैं। ये खतरनाक आतंकवादी करीम अब्दुल्ला है। डरना नहीं, कल ही मैंने इसे पकड़ा है। सर, हमने पकड़ा था। शट अप। भाई देखो, अभी जो भी हुआ तुम लोगों का हुआ था लफड़ा ना, अभी मेरे को इधर काय फंसाते हो बोलो? तुमने हमें इस आदमी के साथियों का हुलिया बताना है। आ, तो इससे पूछो ना, बढ़िया बताएगा ये। गुड सजेशन। क्या? व्हाट गुड सजेशन? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? पहले से बेवकूफ है और क्या बनाएगा। क्या? मेरा कहने का मतलब है कि आपको बेवकूफ कौन बना सकता है? देखो, तुमसे पूछा गया, तुम जवाब दो। उसके साथियों का हुलिया कैसा था? मेरे को कुछ याद नहीं है। अरे कैसा आदमी है, जानवर है ये? अरे कल जिनको देखा उनका हुलिया नहीं बता सकते? अभी मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। बोल बोल, क्या शर्त है? मेरे सामने वो आदमी लोग को लाके खड़ा करो, हुलिया देख के बताता हूँ। फक्के मार के बाहर निकालो इसे। अरे इसे नहीं, इसे, इसे। अरे अरे छोड़ो भाई मेरे को। अरे अरे यार, धक्के मार के निकालो बोला, उठा के ले जाते। अच्छा वह पालकी नहीं ले आए उसके लिए। गधे गधे भरे हुए सारे मेरे थाने पर। अब इस बारूद सिंह को कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं आतंकवादी लोग इस वक्त कहां छुपे होंगे। चाचा जी ये देखिए। क्या रहस्यमय बीमारी से शहर में दहशत, सरकारी अस्पताल में एक और रोगी दाखिल। क्या हुआ चाचा जी? अरे आदमी की शक्ल तो जानी पहचानी लग रही मुझे। क्या? हाँ हाँ, मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे सकती। वाह वाह वाह, आपकी याददाश्त का क्या कहना है, आपको तो इतना भी याद नहीं रहता कि घर में आटा खत्म हो चुका है। अरे आटा खत्म हो गया तो मेरे ऊपर क्यों बिगड़ रही हो? और क्या करूं, सुबह से 2 बार याद दिला चुकी हूँ आपको। अब अगर आटा नहीं लेकर आए ना तो दोपहर का खाना नहीं मिलेगा, कह देती हूँ। चल साहब, चल के आटा ले आते, नहीं तेरी चाची हम लोगों को पीस डालेगी। आजा आजा। करीम, क्या है, इसे ठीक से पकड़ा है ना? हाँ सर। हाँ हाँ करीम, अब तो अपने साथियों का नाम और पता बता दे। साथियों का नाम पता लेकर क्या करोगे इंस्पेक्टर, बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उनसे होने वाली है। हमारी तहकीकात से डर के इसके आदमी लोग अपने आप को सरेंडर करने वाले हैं। सरेंडर नहीं इंस्पेक्टर, बवंडर। बवंडर? यस बवंडर। हमारे साथी यहां पर ऐसा बवंडर लाएंगे
कि तुम खुद मुझे छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे, तुम खुद मुझे अपने हाथों से उन तक छोड़ कर आओगे। क्या बकते हो? बक नहीं रहा हूं इंस्पेक्टर, मेरा कहा हर लफ्ज पत्थर की लकीर है। इंशाल्लाह कल का सूरज पुलिस कस्टडी के बाहर देखूंगा, ये मेरा वादा है। लगता है कस्टडी में रहकर ये थोड़ा सा पगला गया। ले जाओ बाहर इसे। ले जाओ अंदर इसे कस्टडी में। ले जाओ। मुझे इसकी बातों में दम लगता है, अगर हमने सही वक्त पर कदम नहीं उठाए तो मरने की नौबत आ जाएगी सर। इसके सामने मुझे क्यों डराता है इसे? ले जाओ इसे अंदर। जय श्री कृष्णा चाचा। क्यों मुंह मांगा, क्या हाल है? हाल एकदम बेहाल है चाचा। क्यों, क्या हो गया? अब क्या बताऊं, मेरे को तो लगता है ना चाचा, इस देश में शरीफ लोग नहीं रह सकते, कोई भी आता लात मार के चला जाता है, बताओ। अरे भाई किसने किसको लात मार दी? क्या बताऊं चाचा, बहुत बेइज्जती हो गया मेरा। तो क्या है ना, आज सुबह थाने से कुछ पुलिस वाले आए थे, मेरे को जबरदस्ती उठा के उधर ले गए। वो इंस्पेक्टर बारूद सिंह है ना, मेरा बहुत बेइज्जती किया। अरे पुलिस वाले तो उसे ही पकड़ते हैं जो कोई बुरा काम करता है, तुमने ऐसा क्या कर दिया? अरे साबू भाई रोना तो इसी बात का कि मैंने कोई बुरा काम ही नहीं किया। वो क्या है, मेरे दुकान में कुछ ग्राहक लोग आए थे कल, तो उसमें से एक ग्राहक को बारूद सिंह ने पकड़ा। बाद में पता लगा वो सारे ग्राहक जो थे आतंकवादी थे। अब बारूद सिंह मेरे पीछे पड़ा है कि मैं वो सारे आतंकवादियों का नाम पता ठिकाना बताऊं। अब तुम ही सोचो, इतने ग्राहक लोग आते हैं मेरे दुकान में, किस किस का नाम पता ठिकाना मैं पूछूंगा, बताओ। मतलब तुम्हारी दुकान में जो लोग आए थे वो आतंकवादी थे? हो भी सकता है चाचा, लेकिन मेरा उन लोगों से क्या संबंध है? मेरे समझ में तो एक बात नहीं आ रहा कि बारूद सिंह ने मेरे साथ ऐसा सलूक काहे को किया। हेलो कौन? हम वही हैं जिन्हें पाने की तुम कोशिश कर रहे हो। मैं क्या पाने की कोशिश कर रहा हूँ? प्रमोशन। तुम प्रमोशन बोल रहे हो क्या? बकवास बंद करो और फौरन करीम अब्दुल्ला को छोड़ दो। करीम अब्दुल्ला को छोड़ दूं? मुझे क्या पागल समझ के रखा है क्या? पागल तो तुम तब होगे जब इस शहर में हजारों लाशें बिछेंगी। हम तुम्हें 6 घंटे की मोहलत देते हैं, फौरन करीम अब्दुल्ला को छोड़ दो। चाचा आप तो इतना बड़े बड़े लोगों को जानते हो, थोड़ा कमिश्नर साहब को मेरे बारे में बोलो ना, हो सके ना ये अखबार में भी मेरे बारे में छपवा दो, यहाँ फ्रंट पेज पे एकदम। क्या हुआ मुमांगा, ऐसे क्यों देख रहे हो? ये तो वही है। कौन? कल जो दुकान में ग्राहक लोग आए थे ना आतंकवादी, ये भी उनमें से एक था। अच्छा ये वही है जिसे अजीब सी बीमारी है? हाँ यही है। चाचा जी, 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 चाचा जी। क्या हुआ बारूद सिंह, क्यों परेशान हो? चाचा जी कुछ आतंकवादियों ने धमकी दी कि वो पकड़ा गया आतंकवादी करीम अब्दुल को अगर हमने आजाद नहीं किया तो सारे शहर का मुर्दा खाना बना देंगे। मुर्दा खाना? हाँ, और कह रहे हैं कोई फायरिंग नहीं होगी, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा, ऐसा तरीका इस्तेमाल करेंगे जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। और सर कह रहे हैं इसे हर घर में मौत का सामान जरूर पहुंच जाएगा। हर घर में? चाचा जी कुछ भी कीजिए, इस शहर के लोगों को बचाइए। एक मिनट जरा मैं सोचता हूँ। आतंकवादी, उनमें से एक को अजीब सी बीमारी, फिर आतंकवाद की धमकी आती है कि हर घर में मौत का सामान पहुंचाएगा। लगता है कुछ समझ आ रहा है मेरी। क्या समझ में आया चाचा जी? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले सरकारी अस्पताल चलो। चलो साबू जल्दी आओ। अरे उठो उठो। अरे चाचा जी को बैठने दो, चलो चलो। अरे 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 रुक जाओ। अरे ये आतंकवादी यकीनन जमील ही है, इसे एक बार मुठभेड़ भी हो चुकी है। क्यों साबू तुम्हें याद है ना? अच्छी तरह याद है चाचा जी। डॉक्टर साहब ये मरीज जल्द से जल्द होश में आना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। लेकिन चाचा जी ये मरीज अभी कब होश में आएगा ये तो निश्चित से बता ही नहीं सकते ना हम। लेकिन इसे हुआ क्या, कौन सी बीमारी हुई है इसे? नहीं चाचा जी ये तो निश्चित रूप से हम भी नहीं बता सकते। हाँ इतना बता सकते हैं कि इस बीमारी की बाधा एक विशिष्ट केमिकल पाउडर से हुई है, जो पाउडर पानी में आसानी से घुल जाता है। आतंकवादी पाउडर पानी में आसानी से घुल जाता है?
अच्छा, इसके कुछ कपड़े वगैरह हैं आपके पास? जी, कपड़े तो लैब में जांच के लिए भेज दिए हैं। हाँ, इसके पास कुछ कागज मिले हैं। कागज? हाँ, कहाँ है वो कागज? जी देता हूँ, दिखाइए, उठाइए जरा। ठीक है। ओह साबू, बारू सिंह जी, चलो मेरे साथ, हम बहुत बड़ी विपदा में पड़ने वाले हैं, चलो जल्दी। अरे ये तो ताला लगा हुआ है। अरे यार, ये ताला लगा कर क्यों जाते हैं? हम लोग पुलिस थाने पर कभी ताला नहीं लगाते। हम लोगों ने कभी अपने मुंह पे ताला नहीं लगाया। चुप, तुम लोग अपने बकवास बंद करोगे? जी साबू। जी चाचा जी। ताला। चाचा जी, पाउडर। पाउडर? शायद पाउडर बनाने का साइड बिजनेस होगा आतंकवादियों का। अरे वाह, मैं भी एक पाउच ले लेता हूँ। मेरे बीवी ने कहा कि सुबह पाउडर लेके आना। अरे बेवकूफ, ये चेहरे पे लगाने वाला पाउडर नहीं है। ये चेहरे का पाउडर नहीं है? ये पाउडर तो जहरीला है। अरे वाह, अच्छा वाह, फिर तेरे पाउडर में मेरी बीवी को दे देता हूँ। चुप, और तलाश लो, देखो क्या क्या है। देखो इधर, इधर देखो क्या और मिलता है। हेलो, पाउडर जहरीला है, नहीं ला सकता हूँ, दूसरा कुछ लाओ क्या? अबे ए, तलाशी ले, बीवी का ऑर्डर ले रहा है, ये लाऊं बोला। ये सर, क्या सर? ये देखो पासपोर्ट, ये नोट, ये दीजिए, ये मैं अपनी हिफाजत में रखता हूँ, और दरवाजे पर दो कांस्टेबल ड्यूटी पे लगा देता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं जी, ना कांस्टेबल को ड्यूटी पे लगाना है, ना किसी सामान को हाथ लगाना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो आतंकवादी सतर्क हो जाएंगे, समझे? किसी चीज को हाथ मत लगाओ। तो फिर क्या करें सर? कुछ नहीं। हम लोग जैसे ताला खोल कर अंदर घुसे थे, उसी तरह बाहर निकल के ताला लगा देते जी। चलो 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 बाहर, चलो मैं दो मिनट में आता हूं। अरे फोन बज रहा है, किसका तो फोन बज रहा है? इसका, मेरा ही फोन बज रहा है। अरे रुको रुको, फोन निकालने दो, रोको गाड़ी। हेलो बारूद सिंह, मरा। यस सर। अरे तुझे किसने बुलाया? सर आपने ही तो आवाज दी ना। नहीं यार, क्या हुआ बारूद सिंह, क्यों घबराए हुए? नहीं, मैं कहाँ घबराया, मैं थोड़े घबराया। मैं, किसका फोन है? पूछना है, भूल गया मैं गड़बड़ी में। हेलो, कौन चाहिए? बारूद सिंह। बारूद सिंह? अरे वाह, इधर भी बारूद सिंह, उधर भी बारूद सिंह, दो दो बारूद सिंह, एक ओरिजिनल, एक डुप्लीकेट। तभी मैं सोच रहा था कि आप असली पुलिस वाले क्यों नहीं लगते। ओहो, ये तुम लोग बकवास मत करो, इधर ला, मजाक करने का वक्त नहीं, मुझे दो फोन। हेलो, हम मौत के फरिश्ते बोल रहे हैं। डरो मत, हम तुम्हें फरिश्तों की दुनिया में ही पहुँचा देंगे। बकवास बंद करो, हम तुम्हें आखिरी बार पूछते हैं, तुम करीम अब्दुल्ला को आजाद करते हो या नहीं? हाँ हाँ, जरूर कर देंगे, जरूर कर देंगे, उसे भी इस दुनिया से हम उस दुनिया में पहुंचा देंगे। तुम ऐसे नहीं मानोगे? ठीक है, तो फिर मौत के फरिश्तों का आखिरी पैगाम भी सुन लो। आज हम शांतिनगर में मुर्दों की पहली किश्त भेजते हैं, अगर हिम्मत है तो रोक लेना, वरना ये न कहना कि आगाह नहीं किया था।
शांति नगर। बारू सिंह, शांति नगर मालूम है तुम्हें कहाँ है? हाँ सर, इसी रास्ते से सीधे आने का, वहाँ बाएं तरफ जाना। बाएं तरफ अगर जाओगे तो वहाँ एक बरगद का पेड़ लगेगा, उसके सामने बिल्कुल दो रास्ते हैं, एक दायां मंदिर की तरफ जाता है, दूसरा लेफ्ट जाता है। लेफ्ट के रास्ते पे आप देखेंगे तो शांति नगर का बोर्ड दिखेगा। चलो ड्राइवर। शांति नगर के बोर्ड के वहाँ अगर आप दाएं देखो तो आप... अरे चाचा, अरे चाचा, अरे अरे चाचा रुक जाओ, अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो? चारों तरफ नजर रख रहे बॉस। ठीक है, गाड़ी का दरवाजा खोलो। तुम क्या खोलते हो, क्या करते हो तुम? पानी का टैंकर लेकर शांति नगर में पानी लेके जा रहा था साहब। कहीं बीच में रुके थे? नहीं साहब। सच सच बोलो, झूठ मत बोलो। हाँ, एक जगह पान खाने के लिए रुके थे साहब, बस उतना ही, और कुछ नहीं। पान खाने रुके थे? तुम्हारे एक जगह पान खाने से कितने लोगों की जान खतरे में पड़ गई तुम्हें मालूम है? चाचा ये क्या पान पानी क्या माजरा है, मैं कुछ समझा नहीं। अभी सब मालूम पड़ जाएगा। इधर आओ। सब क्या कर रहे सब? ए, सब पानी अंदर खड़े इधर। हाँ इधर आ, इसको ऊपर। सर सर, चाचा जी क्या कर रहे सर? पता नहीं, चाचा जी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। हाँ। दिखा कैसे तेजी से ऊपर गए वो। हाँ। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या चाचा जी, शराब पीना मना है, कम से कम पानी तो पीने दो। अरे बेवकूफ, ये पानी पियोगे तो मर जाओगे, इसमें जहर मिलाया हुआ है। क्या? हाँ हाँ, इस टैंकर के पानी में आतंकवादियों ने जहरीला पाउडर मिला दिया है। अब तक मौत अपना खेल खेल चुकी होगी। अब तो शांति नगर में हमेशा के लिए शांति फैली होगी। फौरन हमें अपनी छुपने की जगह बदलनी होगी, पुलिस अब तक हमारे खून की प्यासी हो गई होगी। अरे कौन तू? तू कौन? भीमसेनी लग से तो बच गए, अब मुझसे कैसे बचोगे? पुलिस को अपना काम करने दो। चल ले जाओ, ले जाओ इसे, ले जाओ इसे, ले जाओ, ले जाओ। आजा बेटी, जा, अब तेरा काम खत्म, जा। चाचा जी, शांति नगर और शहर को आपने तबाही से बचाया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था। लेकिन इनकी साजिश के बारे में आपको कैसे पता चला? भाई जब मैंने अखबार में इस बीमारी के बारे में पढ़ा तो मैं चिंतित हो गया, ऐसी कौन सी बीमारी। फिर मुहमांगा ने मुझे बताया कि वो बीमार आदमी आतंकवादी है, आतंकवादियों ने जो तुम्हें धमकी दी, उससे मैं सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो गांव-गांव में फैलाई जा सकती है। फिर आपने इसका हल कैसे निकाला? मेरा शक उस वक्त यकीन में बदल गया जब डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि वो जहरीला पाउडर पानी में आसानी से घोला जा सकता है। अब बीमारी फैलने के सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो हवा या पानी। फिर मेरा शक यकीन में उस वक्त और भी तब्दील हो गया, शांति नगर में जब मौत का तांडव रचने वाली बात आतंकवादियों ने कही तो उनका प्लान मेरी साफ समझ में आ गया, क्योंकि शांति नगर में कोई पाइपलाइन नहीं है, वहाँ तो टैंकर से पानी सप्लाई होता है। इसके बावजूद अगर पुलिस करीम अब्दुल्ला को ना छोड़ती तो वो शहर के मेन वाटर टैंक में जहर मिलाकर लाखों लोगों की जान ले लेते, यही उनका प्लान था। हेलो बारू सिंह, हम बोल रहे हैं, अपने चाचा जी को फोन देना। जी एक मिनट, एक मिनट।
चाचा जी फोन आपके लिए। हेलो, ये क्या चल रहा है आपका? हाँ, 4 घंटे पहले हमने आपको बाजार भेजा था आटा लाने के लिए, आप अभी तक लौटे नहीं। जल्दी घर आ जाइए वरना रात को भूखा सोना पड़ेगा। हाँ अच्छा, जल्दी पहुंचता हूँ। अरे बाप रे, यहाँ के आतंक से बच गया लेकिन घर के आतंक में फंस गया।